आईआईपी देहरादून में पहली प्रायोगिक व्यावसायिक यूनिट की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया। 1 टन प्रतिदिन क्षमता के इस संयंत्र से 800 लीटर डीजल का उत्पादन होगा। सीएसआईआर और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में ये संयंत्र स्थापित करने का काम किया और यहीं पर ये संयंत्र स्थापित किया गया है। बायोफ्यूल से सफलतापूर्वक एयरक्राफ्ट उड़ाने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम अब प्लास्टिक से डीजल और पेट्रोल का उत्पादन करने जा रहा है। इस यूनिट से शुरुआत में प्रतिदिन 800 लीटर डीजल उत्पादन होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा भी है कि सफलतापूर्वक देश को बड़ा प्लांट समर्पित करने का बड़ा मौका है। पूरी दुनिया प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्रयासरत है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद ही घातक है। ये आईआईपी के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। तो उत्तराखंड में अब कचरे से डीजल बनने वाला है। प्लास्टिक कचरे से ये डीजल बनेगा और इसके लिए अब जो यूनिट है वो स्थापित कर ली गई है। आईआईपी प्लांट का उद्घाटन हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया है और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत उनके साथ मौजूद थे। इसी प्लांट को लेकर अपनी ओर से तमाम जानकारियां केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने दी भी हैं और साथ ही काफी खुश दिखाई दिए हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत, क्योंकि वो जानते हैं कि इस प्लांट की अहमियत कितनी ज्यादा है और वो भी उत्तराखंड में। अगर ये प्लांट स्थापित होता है देहरादून में, ये प्लांट अपनी ओर से काम शुरू कर देता है तो देश में इस प्लांट के चर्चे होते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि प्लास्टिक से कचरे से डीजल का उत्पादन होगा और इसके लिए पहले एक एयरक्राफ्ट उड़ाया भी जा चुका है इस फ्यूल से और अब इसका काम जैसे ही शुरू होगा तो धीरे धीरे डीजल बनाने में काफी आसानी होगी। सत्ताईस अगस्त को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो हमारा सीएसआईआर का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर मुझे सीएसआईआर आईआईपी देहरादून की एक बहुत प्रमुख उपलब्धि को देश को समर्पित करने का मौका मिला है। प्लास्टिक वेस्ट को किस प्रकार से डीजल के अंदर या आवश्यकता पड़ने पर पेट्रोल में या किसी और दूसरे इम्पॉर्टेंट उपयोगी केमिकल में परिवर्तित किया जा सकता है, उसका 1 टन कैपेसिटी का आज एक प्लांट, जो वर्षों की सफलतापूर्वक की गई रिसर्च के परिणाम स्वरूप देहरादून के आईआईपी के कैंपस में लगाया गया है।